नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक एनकाउंटर के मामले में सेना ने बड़ा फैसला किया है। शोपिया एनकाउंटर में अधिकारी और जवानों पर सेना केस चलाएगी। दरअसल जुलाई के महीने में सेना के इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कहा जा रहा था कि सेना ने आतंकियों के बजाय अन्य लोगों को निशाना बनाया, जिसके बाद मामले की इंक्वायरी की गई थी। अब सच पता चला है कि सेना के जवानों ने ऑपरेशन के दौरान अपसपा के तहत मिली शक्तियों का दुरुपयोग किया। सेना ने कहा कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में मामले की जांच के दौरान कहा गया था कि शोपिया में आम सिफोरा में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए। तीनों की शिनाख्त राजौरी के इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार के रूप में की गई थी। श्रीनगर के डिफेंस पीआरओ के मुताबिक तीनों का डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सेना ने 18 जुलाई को दावा किया था कि दक्षिण कश्मीर के शोपिया में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। बड़ी बात यह है कि मामले के विस्तार के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। इसके बाद मारे गए लोगों के परिवारों ने शिकायत की थी। तीनों परिवारों ने युवकों के शोपिया में आमसीपोरा इलाके में 17 जुलाई को लापता होने की शिकायत दी थी। इसके बाद जाकर मामले की जांच शुरू हुई। अब शोपिया एनकाउंटर के फर्जी होने का सच सामने आया है। मारे गए तीनों लोग रिश्तेदार थे, तीनों मजदूरी का काम करते थे। अब जांच के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में अपने जवानों को दोषी माना है और कार्रवाई करने की बात कही है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।